अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज हम आए हैं क्वेटा के बाज़ार में। मुझे अपनी इंस्टा की एक फ्रेंड ने बताया था कि इस बाज़ार में लियाकत मार्केट में दाऊद मॉल है, वहाँ पर आपको बलोची ड्रेस मिल जाएगी। तो ख़ास करके मैं आई थी बलोची ड्रेस लेने यहाँ पर। फिर हमने बहुत सारी शॉपिंग की, बर्तन भी लिए यहाँ से और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली। और यहाँ पे जगह जगह पे ड्राई फ्रूट था तो हमने ड्राई फ्रूट की भी शॉपिंग की। जी हम इस साइड आए और इस साइड पर बहुत सारे कट पीस थे, बहुत सारी वैरायटीज़ थी। जेंट्स के कपड़े भी थे, लेडीज़ के भी थे और हर जो है मौसम के कपड़े थे। रेशमी भी थे, लॉन के थे, लीलन के थे, बहुत सारी वैरायटीज़ थी। लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें अभी तक नज़र नहीं आई। और फिर मेरी फ्रेंड ने जो शॉप बताई थी हम उस साइड गए। उस साइड फाइनली हमें वो शॉप मिल गई जहाँ पे बलोची ड्रेसेस मिलते हैं। उसके अलावा जी हमने कुछ बर्तन भी लिए यहाँ से। देन फाइनली हमें वो शॉप मिल गई जहाँ पर वो ड्रेसेस थे, बलोची ड्रेसेस भी थे। उसके अलावा जो पठानी ड्रेसेस होते हैं वो भी पड़े थे, रेडीमेड भी थे, अनस्टिच भी थे। और मुझे जो ड्रेस चाहिए था वो इस टाइप का ड्रेस मुझे चाहिए था। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थी और कलर भी बहुत अच्छे थे। इसके अलावा जी इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे यहाँ पर और इतने प्यारे कलर्स थे। कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी थी और बहुत हेवी थे। लेकिन मैं चाह रही थी कि मुझे इतना हेवी सूट ना मिले, लेकिन फिर मैंने आई डोंट नो कि क्यों हेवी ही ले लिया। और बहुत ही प्यारा सूट था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लिया था, बलोची फ़्रॉक। इतने सारे फ़्रॉक देखने के बाद ही मुझे जो है वो पसंद आया। ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो ये वाला जो नीचे पड़ा हुआ है ग्रीन कलर और दूसरा ये वाला, इन दोनों में से मुझे कोई एक चॉइस करना था। देन उसके बाद मैंने इसी को ही जो है पसंद किया जो सबसे पहले मैंने देखा था। उसके अलावा कुछ रेडीमेड भी थे लेकिन वो मुझे नहीं पसंद आया। ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। डोली के लिए हमने ये फ़्रॉक देखा लेकिन इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने ये नहीं लिया। इसकी कढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, कलर्स भी बहुत अच्छे थे। अच्छे तो सब थे लेकिन अब सब तो नहीं ले सकती थी मैं। हम आए यहाँ पर और मुझे चाहिए था बलोची स्टाइल का कोई जूता, मतलब पंपी टाइप का हो और थोड़ा सा बलोची स्टाइल में हो, लेकिन वो तो मुझे नहीं मिला। देन फिर भी एक दो जो है मैंने ट्राई की, ये वाला मुझे पसंद आ गया और ये मैंने ले लिया। लेकिन मुझे डॉक्टर ने ये वाले जो है शूज़ पहनने के लिए मना किया, फिर भी मैंने ले लिया। उसके बाद हम आए ज्वेलरी की तरफ और मुझे यहाँ पे जो है रिंग्स बहुत प्यारी लगी तो मैंने अपने लिए भी ली और है एक मेरी फ्रेंड उसके लिए भी ली। उसको भी जो है सिंपल से जो है रिंग्स बहुत पसंद होती हैं तो उसके लिए भी मैंने ली और अपने लिए भी ली। और भी बहुत सारी ज्वेलरी यहाँ पर थी। हमें लेने थे कपड़े भाभियों के लिए, थ्री पीस सूट वगैरह जैसे मिलते हैं, तो हमें ऐसा कोई शॉप नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ पर एक लेडी जो है खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि आग ऊपर जाकर 7th फ्लोर पे आपको ये वाले कपड़े मिल जाएंगे। फिर वहाँ से हम ऊपर गए और 7th फ्लोर पे हमें जो कपड़े चाहिए थे वो मिले। बहुत ही बड़ा बाज़ार है ये और जो फर्स्ट टाइम जाता है उसको तो समझ भी नहीं आता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। उसके बाद ये सूट जो है अम्मी ने लिए भाभियों के लिए और इन दोनों एक जैसे ही लिए थे, दोनों भाभियों के लिए। और अपने लिए भी अम्मी ने ऐसा ही एक सूट लिया। मुझे भी कह रही थी कि मैं भी लूँ, लेकिन मैं अब ज़्यादातर जो है ना अनस्टिच सूट नहीं लेती, क्योंकि फिर दर्जी का मसला हो जाता है। पहले ही मैं बहुत से दर्जियों के साथ मेरा झगड़ा हो चुका है कपड़ों की वजह से। उसके बाद जी मुझे अपनी ड्रेस से जो है मैचिंग में चूड़ियाँ लेनी थी, तो ये चूड़ियाँ मैंने इस ड्रेस की मैचिंग में ली और मुझे ये ड्रेस पहन कर जाना था गोल्डन डेजर्ट नोशकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं नहीं जा सकी, बहुत गर्मी थी। और ये सूट जो है मैंने अम्मी से एक दिन में सिलवाया था और फिर मैं नहीं जा सकी वहाँ पर, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ये सूट पहना था। डॉली की बर्थडे पे मैंने पहना था, वो भी मैं आपके साथ जो है व्लॉग शेयर करूँगी डॉली की बर्थडे वाला। उसके बाद जी क्वेटा आए और ड्राई फ्रूट ना ले, ऐसा हो सकता है, तो हमने सबके लिए ड्राई फ्रूट लिया और जो है घर में भी सबके लिए, हर किसी के लिए अलग अलग से जो है पैकेट बनवाए। उसके बाद हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और फिर हम रेस्टोरेंट गए और हम सोचे थे कि आज कुछ डिफरेंट हो जाए, क्योंकि देसी खाना बहुत खा लिया था। उसके बाद जी हम गए साइगोन कैफ़े रेस्टोरेंट, ये था शहबाज टाउन में। और भाई बता रहे थे कि मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ की जो है कॉफ़ी और चाय, सूप वगैरह वो पीने के लिए। बहुत ही टेस्टी फूड था इनका भी। और उसके बाद डिनर के बाद हम लोग गए घर, बहुत ही थक चुके थे हम। और जी ये कुछ शॉपिंग जो हमने की, इब्राहिम के लिए, माहा के लिए, अम्मी ने खिलौने लिए, कपड़े लिए, घर के लिए कुछ बर्तन लिए। मैंने भी थोड़े से बहुत बर्तन जो है अपनी रेसिपीज़ के लिए लिए और दूसरी भी सारी चीज़ें थी, बर्तन कपड़ों के अलावा ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सब चीज़ें हमने ली। उसके अलावा अगर जी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।